यार अभी इसके अंदर डालेंगे हम बादाम। चलो ये मज़ेदार डिम तैयार हमारे। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला का। जनाब शुरू करते हैं, सहरी के टाइम में अल्लाह ताला सबको खुश रखे, बीमारों को शिफा दे, बेरोजगार रोजी दे, बेलद औलाद दे और हमारे साया हमारे सर को सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन। अभी सहरी बनाते हैं, सहरी का टाइम पता नहीं क्या है, जो अलार्म बजा मेरी बेटी आगे उठाए, मेरी बेटी ने कह रही उठे सहरी के टाइम हो गया, सहरी बनाए। अच्छा वो भी लगा के रखती है अलार्म, मैं भी। ये मेरी सहरी, रात बनाया था सालन हमने आलू गोभी का और सब निकाल लिए, अभी बस मैं कर रही हूँ। और ये देखें फिज़ा को नहीं खानी होती ना गोभी, कह रही मुझे दाल खानी है, मैंने दाल गर्म करके थी खाई नहीं, ज़रा सी खाई है। रोज़ा रख लिया, सहरी कर ली, अभी सब सो गए हैं, नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के अभी सब सो गए हैं, मैं भी सोती हूँ। सुबह इंशाल्लाह उठेंगे तो फिर ब्लॉग शुरू करेंगे। 5 hours later उठ चुकी हम लोग जी, कब के उठी हुई थी, बस लेटी हुई थी, मैंने कहा आज कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, तो अभी लाइट नहीं है, लाइट आएगी तो मैं मशीन लगाऊंगी, लाइट जैसे होता है, लाइट है ही नहीं भाई, तो अभी बस ये देखेंगे। ये उठ के ये हो रहा है, फिर ज़्यादा नहीं उठी हुई है पर उठ नहीं रही, जाग रही है लेकिन उठ नहीं रही, इसको हल्का हल्का सा बुखार हो रहा है। आज मैंने इनको कहा, मैंने कहा कल की तरह क्या हुआ, तो मैंने कल इनको कहा कि कल की तरह करना है सहरी करके, फिर बोले हमारा रोज़ा हम नहीं रख रहे मम्मा, तो आज वैसे करोगे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आज हम रोज़ा रखेंगे, मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, तो कह रही नहीं हम रखेंगे, दोनों ने रोज़ा रखा हुआ है। और फिज़ा कह रही कि मुझे हल्का हल्का सा बुखार है ऐसे, तो अभी चलने बस देखते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर लाइट आएगी तो मशीन लगाएंगे। मैं कह रही हूँ अभी लाइट नहीं है तो उस वक्त तक ये ना शोकेस साफ़ कर लूँ, इतनी मिट्टी आ जाती है बर्तनों में ये सारी शोकेस के अंदर, बहुत ज़्यादा पता ही नहीं चलता क्यों कहाँ से आती है, शीशे बंद होते हैं फिर भी ये मिट्टी आ जाती है। चलो आप जाओ जाओ पढ़ो कुरान पाक, पढ़ो कुरान पाक, पढ़ो मैं कर लूँगी बस, आपको रोज़ा है आप कुरान पाक पढ़ो, ठीक है जाओ। हफीज़ हमारी पढ़ रही है कुरान पाक, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरा बच्चा रोज़े के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं। ये देखें ये दो शेल्फें ना मैंने खाली कर ली हैं, ये वाली और ये वाली, मैंने कहा दो को साफ़ करके ना इनके बर्तन रख लूँगी, फिर ये दो के निकालूँगी इन दो शेल्फों के। ये देखें इस दफ़ा ना मैं कह रही हूँ धोऊँ ना बस कपड़ा, कपड़े से साफ़ करके ना और रख देती हूँ, क्योंकि वैसे भी जब ये उठाते हैं ना तो धो के तो फिर ही इस्तेमाल होते हैं, तो आज इस तरह करती हूँ बस। वैसे भी एक डेढ़ महीना पहले ही मैंने इनको धोया है, सारे धो के रखे थे बर्तन, तो आज मैं करीब बस कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ है, इतनी मिट्टी ज़्यादा नहीं है शेल्फों पर, ज़्यादा मिट्टी क्योंकि बर्तन उठाए जाते हैं ना इस्तेमाल करने के लिए, तो बर्तनों पर ज़्यादा मिट्टी नहीं है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हो गई जी शोकेस साफ, अभी लाइट भी आने वाली है, बस ये शोकेस साफ़ कर लिए, अभी बस कपड़े धोने हैं, अभी मशीन लगाऊंगी कपड़े धोऊंगी। चलो ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया। चलो आज मैं बना रही हूँ एक ड्रिंक रमज़ान शरीफ के लिए, ठंडी ठंडी सी मज़ेदार ड्रिंक बना रही हूँ, तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये देखें मैंने पानी डाल लिया है और इसके अंदर डालेंगे, ये देखें ये जेली जमा रही हूँ और अभी इसको जमा के रख देंगे हम, पहले इसको रखूँगी रूम टेम्परेचर पे, तब जब तक वो ठंडी हो जाएगी फिर इसको रखूँगी फ्रीज़र में, फिर इसको बारीक बारीक से कट करेंगे, कट करके फिर ये आगे को फिर आपको बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। ये देखें जी ये बॉयल आ गए हैं इसमें, और मैंने ना ज़रा चीनी भी डाली है इसके अंदर, वैसे चीनी नहीं डालते हैं लेकिन मेरे बच्चे ने बगैर चीनी के जेली पसंद ही नहीं करते, खाते ही नहीं हैं, तो इसलिए मैं ज़रा सी मामूल सी ना चीनी लाजमी डालती हूँ। अभी इसको रखते हैं डिश में डाल के ठंडा होने के लिए, जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो फिर इसको रखेंगे फ्रीज़र में। क्या हुआ अलीज़ा फिज़ा आ गई, ये
देखें जी, यहाँ पे हमारी जेली जो है ठंडी हो रही है और यहाँ पे मैंने पानी डाला है कटोरे में और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 3 चम्मच साबुदाने के, ठीक है जी, 3 चम्मच, 1 और ये 2 और ये 3। मैं अच्छा अपनी फैमिली के हिसाब से यानी कि बना रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा फैमिली के लिए। मैं 1 लीटर दूध के लिए बना रही हूँ ना। अफ्तारी की तैयारी हमारी शुरू हो गई है, यहाँ पे बन रही है फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट आज बना रही मेरी बेटी। आज ना पकोड़े हम नहीं बना रहे भाई, मैंने कहा आज पकोड़े नहीं बनाओ, कल बनाएंगे तो देखना सब मज़े से शौक से खाएंगे। 1 दिन 2 दिन चीज़ ना बनाओ ना फिर बड़ी मज़े से खाई जाती, ख़त्म हो जाती उसी वक्त। तो मैंने कहा आज पकोड़े नहीं बनाते, बस फ्रूट चाट बना लेते हैं। और अलीज़ा कह रही नहीं मम्मा मेरा रोज़ा है तो आप ना वो कर दो, रोल बना दो, रोल फ्राई करना। मैंने कहा चलो रोल फ्राई करेंगे, बाकी ड्रिंक वगैरह बनाएंगे और फ्रूट चाट ये बहुत है। चलो चलो बनाओ जी बनाओ। तो चलो जी हम बनाते हैं अभी अपनी मज़े की ठंडी ठंडी जो है ड्रिंक बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो इसके अंदर पहले जाएगा ये जो शीरा मैंने बनाया, इसके अंदर ना पानी डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर ना कस्टर्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं था तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने इसके अंदर पानी डाला और चीनी डाल दी, तो ये मैंने मीठे के लिए तैयार कर लिया। ज़रूरत के हिसाब से डालना है हमें, जिस तरह का इतना मीठा बोलता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर डालेंगे हम ये दूध, ये 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध जाएगा इसके अंदर, मुझे लग रहा है जब भी छोटा है। मिक्स करते हैं। अच्छा अब जाएगा इसके अंदर कमलंगा, ये हमने भिगो के रख दिया, मेरे 2-3 घंटे हो गए मैंने इसको ना ऐसे भिगो के रख दिया, तो ये देखेंगे डबल हो गया, ये देखिए इतना ज़्यादा हो गया, ये जाएगा इसके अंदर। और ये देखें ये जो साबुदाना मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये इस तरह से इसका पल्प जो है ना वो निकाल लेना है छन्नी के ज़रिए से ना, ये मैंने निकाल लिया, सिर्फ ये जो मोती है ना, मेरी बेटी कह रही मोती, ये मोती जो है ना बस ये रह जाए, इसकी पल्प ना निकाल लें, तो वो निकाल लिया हमने बॉयल करके। अब ये इसके अंदर जाएगा, हाँ ज़्यादा छोटा लग रहा है, मैं कह रही हूँ उतनी में बना रही हूँ, पतीली में बना रही हूँ जी। देखिए मैंने जग से निकाल के इसमें डाल दिया पतीली में, क्योंकि जग ना छोटा पड़ रहा था। तो अभी इसके अंदर डालेंगे हम जानी चाहिए, इसके अंदर साबुदाना डाल दिया है मैंने और इसके अंदर तो कुमलंगा भी डाल दिया है, और ये जाएगी जामी शीर इसके अंदर। ये बड़ी मज़े की ड्रिंक बनती है ये गर्मियों के लिए ना, और रमज़ान के लिए बहुत मज़ा आता है पीने में ठंडी ठंडी सी। और ये सारी चीज़ें ही आपको पता है इनकी तासीर भी ठंडी है। लीजा बेटा जेली ला के दो मुझे, जेली मैंने रखी थी जमाने के लिए ठंडे होने के लिए ना। और ये देखें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ना अपनी मर्ज़ी के आप डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना चाहें या जैसे बादाम और पिस्ते दोनों मिक्स डालना चाहें। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बादाम, ये बीच में डाल रहे हैं बादाम, बाकी जो बादाम बचेंगे वो हम उसको डेकोरेट भी करेंगे। तो ये बादाम में डालेंगे इसके अंदर कटे हुए, और अब डालेंगे इसके अंदर ये जेली, जेली देखें मैंने ये जमा के रख दी थी जमेंगे, और इसको कट कर लेंगे। मेरे बच्चों को ना जेली वैसे बड़ी पसंद है, चाहे वो कस्टर्ड में हो या चाहे ऐसे ही खाते हैं, बड़ी शौक से खाते हैं जेली। ये देखिए ये जेली हमने ऐसे कट कर ली, अब इसके अंदर जाएगी जेली, ये देखिए ये किस तरह से मज़े की बेहतरीन ऐसे क्यूब्स इसके जा रहे हैं कटे हुए। सारी डाल दूँ कह रही हूँ मैं, थोड़ी बचा दूँ क्या करूँ बेटा, बचा लूँ थोड़ी सी, खाओ के ऐसी सारी डाल दूँ थोड़ी सी बचा रहे जैसे बोलो या डाल देती हूँ कम ना पड़ जाए ना, डाल देती डाल देती वैसे पसंद ही है ना इनको तो जेली। ये
तो ये देखें जी हमारी मज़ेदार ड्रिंक तैयार, ठंडी ठंडी। अभी बस अफ्तारी करेंगे और मज़े उसके पियेंगे सब। आज मेरे बच्चे मज़े से पिए हैं, उनको ऐसी चीज़ें वैसे बड़ी पसंद है, जैली वाली चीज़ें ना बड़े शौक से खाते पीते हैं। ये यार अभी इसके अंदर डालेंगे हम बादाम। चलो मजेदार दिन प्यार में A few inches later, ये हमारी इफ्तारी आज की तैयार, 13वें रोजे की इफ्तारी तैयार हो गई है माशाल्लाह से। और ये जो हमारी आज हमने ड्रिंक बनाई है, चलो जी चलो अब दुआ मांगे। इफ्तारी कर ली और ये देखें जी किचन सारा साफ किया है अलीजा ने, बर्तन धोए हैं और आज खाना भी रोटी भी बनाई थी, रोटी खाई थी। तो आज सालन बनाया था हमने मुंगरे और आलू और चिकन का सालन बनाया, खाना खाया है। अभी बस ये बर्तन थोड़े समेटने वाले हैं और आज देखें मेरे पूरे घर में कपड़े कपड़े नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज कपड़े सारे धोए हैं, पर्दे धोए हैं, धुल चुके हैं जी। अलीजा फिजा, हाँ जी बताओ कैसी लगी आप लोगों को ड्रिंक? बहुत अच्छी लगी, मज़े की थी जी। जब उसको पी रहे थे और जब मुँह में जेली आ रही थी ना, वो तो बहुत मज़े की लग रही थी। हाँ ये लोग कह रहे हैं जब जेली मुँह में आ रही थी ना मज़ा आ रहा था मम्मा, बड़ी मज़े की ड्रिंक थी। चलो जी आप लोगों को पसंद आई तो समझो पैसे वसूल ऐसे ना। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, बस सिर्फ एक काम रह गया करने वाला कल, जो मैंने वॉशरूम धोने। वॉशरूम तो यानी कि डेली धुलते हैं, लेकिन जैसे पूरा फुल हम यानी कि टैलेंट धोते हैं, दीवारें धोते हैं, महीने में दो दफ़ा धो लेते हैं, तीन दफ़ा धो लेते हैं, तो वो वाली मेरे वॉशरूम यानी कि पूरी फुल टैलेंट दीवारें जो है ना धोने वाली हैं, तो वो मैं कल धो लूँगी। सारे काम ख़त्म, शुक्र है सारे काम हो गए। मेरे मियाँ तो वैसे ही मुझे कहते रहते चलो उनको बोलने दो, अच्छा ही बोलते हैं ना, अच्छी चीज़ के लिए बोलते हैं। कहते हैं तुम्हें तो बीमारी है, तुम्हें ना एलर्जी है सफाई की। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है ना। तो बाकी सारे सारे मैंने आज काम कर लिए, शोकेस भी साफ़ हो गया, बर्तन भी साफ़ करके रख लिए, पर्दे भी धुल गए। दरवाजे वाला ये वाला पर्दा तो मैंने खैर साथ ही साथ धो के ना इस्त्री करके लगा दिया था, और बाकी वाले पर्दे जो हैं वो रह गए हैं, वो इस्त्री करनी है अभी, कल इस्त्री करके लगाने वाले हैं। और बाकी ना घर साफ़ हो ना तो आपको खुद बहुत अच्छा लगता है, और कोई आपके घर पे आए तो आपकी तारीफ़ करे कि यानी कितना आपने घर को साफ़ रखा है, आपका घर साफ़ सुथरा होता है जब भी आते हैं, तो ये सुनने को भी बहुत अच्छा लगता है और ख़ुद को भी बड़ा अच्छा लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे हों तो हम यानी कि हर ईद पे हर दफ़ा यानी महीने दो महीने बाद तो हम लोग नई बेडशीटें लें, नए पर्दे लें, घर को कलर करवाएं, डेकोरेट करवाएं, ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं है हमारे पास, जिनको अल्लाह ने दिया है वो करते हैं और अच्छा भी लगता है, करना भी चाहिए जिनको अल्लाह ने दिया है। जिनके पास नहीं है, जिनके हस्बैंड का कारोबार नहीं है इतना यानी कि आमदनी नहीं है, अभी हालात ऐसे नहीं ज़्यादा दे रहे, तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़िद लगा के बैठ जाएंगे कि हमें नए पर्दे भी लगाने हैं, बेडशीटें भी लेनी है, घर अच्छा करना है। तो हम जो चीज़ें हमारे पास हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा हुआ है शुक्र मेरे रब का, तो उसी को आप देर के घर धो लें, घर की सफाई कर लें, बेडशीटें धो के इस्त्री कर लें, पर्दे धो के इस्त्री करके लगा लें, घर को साफ सुथरा कर लें ना, वो भी अच्छा लगता है। ये भी बहुत यानी कि बहुत कुछ है अल्लाह ने जो दिया है ना, बहुत बहुत दिया है, जो हमारे नसीब का है। जिसके जितना नसीब में उतने होता है ना, उतना अल्लाह ताला उसको देता है। और हम छोटे छोटे होते थे, हमारा एक ही कमरा होता था, और वो हमारा कमरा जो है ना कच्चा होता था, मिट्टी का होता था। तो मेरी अम्मी हर दो महीने बाद मेरी अम्मी लिपाई करती थी, उसको साफ़ रखती थी, चूल्हा मिट्टी का, सारा कमरा मिट्टी का, सैन दीवारें सब, तो मेरी अम्मी लिपाई करती रहती थी, क्योंकि उस वक्त लिपाई लगाते थे तो घर ना सब साफ़ सुथरे लगते थे। तो मेरी अम्मी यही कहती थी बेटा ज़रूरी थोड़ी है कि अगर पके घर नहीं है तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरी अम्मी का घर पक्का है, मेरे भाई को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे सेहत वाली, मेरे भाई ने सारा कुछ बना लिया, ज़रूरत का सब कुछ है, ज़रूरत की हर एक चीज़ है मेरे भाई के घर में। तो यही है कि हमें खुश रहना चाहिए, बस जिस हाल में भी है ना बस खुश रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें,
करें, ये ना कहें, शिकायतें ना करें अपने रब से कि ये नहीं है वो नहीं है। तो जी इस व्लॉग को हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।